छोटी चींटी की बड़ी दावत। ये कहानी लिखी है कुसुमलता सिंह ने, चित्रांकन किया है इरशाद कप्तान जी ने। इस साल भी सावन भादों सूखे निकल गए, पिछली बार भी बादल देखने को आंखें तरस गई थी, अब तो जंगल में भी हरियाली खत्म हो गई। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुंचे। महाराज, आप तो जानते ही हो, इस साल भी पानी नहीं बरसा। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराजा हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। जानवर रोने बिलखने लगे। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, धरती के ऊपर तो अब कुछ बचा नहीं है। सुनते हैं कि जमीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे खोजा कैसे जाए? भीड़ में से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि जमीन के नीचे खाने और पीने की चीजों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। गधे को गुस्सा आ गया, हो यह भी कोई बात हुई कि जमीन के नीचे खाने का भंडार है? या होगा, जब हमें भूखों ही मरना है तो भंडार रहा करे, हमारे किस काम का? खरगोश से पूछा गया, सुना है कि जमीन के नीचे भी खाने पीने की चीजें हैं, तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो अवश्य जानते होंगे, क्या यह बात सच है? खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। जमीन में नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैरों के नीचे से आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचाकर जरूर रखना चाहिए, यह सोचकर कि न जाने कब जरूरत पड़ जाए। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोला, मैं रियाने वाली इस चींटी को देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकवास। शेर को गुस्सा आ गया, हमारे राज्य में सबको बोलने का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप लोग चींटी को अपनी तो बात पूरी करने दें। चींटी ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपने बिल में खाने की कुछ चीजें बचा कर रखी हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ, इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देख कर इतनी गंभीर घड़ी में भी कई जानवरों की हंसी निकल गई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी का और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिंघाड़ कर बोला, ओ चिवंटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं, तुम यह सोचो कि इस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह ले आई है, और तुम हो कि उल्टा सीधा कह रहे हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपको सामने हाजिर हो जाएगा। यह क्या, देखते ही देखते हजारों चींटियों की कतार बनाकर अपने अपने बिलों के अंदर से खाने की चीजों के बाहर निकालने लगी। वहां तो खाने के सामान का पहाड़ खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। सबको भूख लगी थी, जानवरों ने छक्कर दावत उड़ाई। कई दिनों बाद भरपेट खाना मिल पाया था। जैसे ही जानवर अपने अपने घरों की ओर जाने लगे तो शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की है। आप सब मुझसे वादा करो कि कभी भी किसी चींटी को जानबूझकर पैर से नहीं दबाओगे। सभी ने यह शपथ ली। आकाश के बादलों ने चींटियों का परिश्रम और दान देखा, जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल छा गए
और खूब झमाझम पानी बरसाने लगा। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड की झुंड चींटियां अपने बिलों से बाहर निकलने लगें तो पानी बरसने वाला होता है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। काले बादल आए, झमझम पानी लाए, और तब से चींटियां जंगल में बेरोक टोक घूमने लगीं। जब बारिश बंद होती तो वे खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करती रहती, क्योंकि न जाने कब फिर जानवरों की दावत करनी पड़ जाए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।